हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप देख सकते हैं एक बिजली का कनेक्शन है। ये कनेक्शन जो है एग्रीकल्चर का है और यहाँ पे देख सकते हैं एग्रीकल्चर का जो कनेक्शन हुआ है, यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिटेड आवेदन जमा किया गया, ये ग्रीन है। यहाँ पे एप्लीकेशन वेरिफिकेशन डन बाय डिवीजन ग्रीन है और यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दस्तावेज की जाँच भी जो है ग्रीन यहाँ पे की गई है। ड्यूज वेरिफिकेशन भी यहाँ पे क्लियर हो गया है, यह इनके पहले से कोई भी ड्यूज बकाया नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं ये टेक्निकल फिजिबिलिटी जो है रेड है। अब टेक्निकल फिजिबिलिटी जो है रेड होने का क्या कारण है, ये एक्चुअली जो है एग्रीकल्चर कनेक्शन में जो है ये प्रॉब्लम आपने आपको देखने को मिलती है कि यहाँ टेक्निकल फिजिबिलिटी जो है आपको बहुत सारे एग्रीकल्चर कनेक्शन में जो है यहाँ पे रेड आपको शो होती है। तो ये क्यों टेक्निकल फिजिबिलिटी जो है एग्रीकल्चर कनेक्शन में यहाँ पे होल्ड की जाती है, चलिए इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको देते हैं कि अगर आपको एग्रीकल्चर कनेक्शन में आपका भी जो आवेदन है टेक्निकल फिजिबिलिटी पे जो है रेड होके रुकी हुई है तो आपको कैसे जो है मीटर लगेगा, कैसे आगे का प्रोसेस जो है कंप्लीट होगा और आपको बिल जनरेट हो पाएंगी। क्या यहाँ पे आप तक जो आपका आवेदन अगर पहुँचा हुआ है तो इस स्थिति में जो है आप बिजली का उपयोग कर सकते हैं या नहीं, पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। तो देखिए, जब हम ऑनलाइन आवेदन करते हैं, ऑनलाइन आवेदन होने के बाद जो है यहाँ पे एप्लीकेशन वेरिफिकेशन डन बाय डिवीजन जो है ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाती है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है डिवीजन से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जांच की जाती है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं ऑनलाइन आवेदन में वो सही है कि नहीं। अगर डॉक्यूमेंट वैलिड होती हैं तो यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो है दस्तावेज की जाँच जो है ग्रीन कर दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे ये चेक किया जाता है कि पहले से आपका कोई विद्युत कनेक्शन तो नहीं है, कनेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है मगर उस पे आपको ड्यूज बकाया ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपके नाम पे पहले भी कोई कनेक्शन है और उसकी आप रेगुलर पेमेंट करते आ रहे हैं, आपके ऊपर किसी तरह का बिजली जो आप उपयोग कर रहे हैं कोई और घरेलू घरेलू बिजनेस है सॉरी घरेलू कनेक्शन है या आपका जो है कमर्शियल कनेक्शन है और उसकी जो है बिल आप रेगुलर पे कर रहे हैं तो यहाँ पे ड्यूज वेरिफिकेशन जो है आपको ग्रीन कर दी जाती है। अगर आपका घरेलू कनेक्शन है या कमर्शियल कनेक्शन है और उसकी जो है विद्युत का जो है बकाया है और उसकी आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं और फिर जो है नया आवेदन किए हैं तो उस स्थिति में ड्यूज वेरिफिकेशन भी जो है आपको नहीं होती है और आपका आवेदन जो है यहाँ पे रद्द कर दी जाती है। अब बात आता है कि यहाँ पे टेक्निकल फिजिबिलिटी किस कारण से जो है होल्ड होती है। तो इसका मेन कारण है जहाँ पे देखिए ये 99% जो है आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर कनेक्शन में जो है आपको देखने को मिलेंगी। देखिए एग्रीकल्चर कनेक्शन जो होती हैं आउट एरिया में होती हैं, खेतों में होती हैं, तो वहाँ तक जो है विभाग की जो है तार पोल जो है वहाँ तक नहीं पहुँची होती हैं। इस कारण जो है टेक्निकल फिजिबिलिटी जो है रेड करके रखी जाती है। जब विभाग की जहाँ तक आपका बोरिंग है वहाँ तक तार पोल जो है विभाग की नहीं पहुँचती है, जब तक जो है ये टेक्निकल फिजिबिलिटी जो है रेड में जो है होल्ड करके रखी रहती है। अब यहाँ पे बात होती है ये कि अगर हमारा जो है आवेदन जो है टेक्निकल फिजिबिलिटी में जो है होल्ड होता है और हम बांस बल्ला जो है गाड़कर जो है विद्युत का उपयोग करते हैं, अपना कृषि का कार्य कर रहे हैं किसी तरह से, तो क्या ये लीगल है या नहीं? अगर हम पकड़े जाते हैं तो ये क्या इस पे हमारा कार्रवाई होगा या हम बच जाएंगे? तो देखिए, आपके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई हो जाएगा, बिल्कुल FIR हो जाएगा अगर आपकी जो है आवेदन जो है टेक्निकल फिजिबिलिटी में रुकी हुई है और फिर भी आप विद्युत का उपयोग कर रहे हैं, तो इस स्थिति में आपके ऊपर FIR हो सकती है। अब बात ये आती है कि इससे हम बचे कैसे? तो देखिए, बचने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए पहले जो है अगर आपकी आवेदन जो है टेक्निकल फिजिबिलिटी में रुकी हुई है तो आपको ऑफिस विजिट करना होगा और JEE साहब या क्लर्क से आपको मिलना होगा और बोलना होगा कि सर देखिए हमारा जो आवेदन है टेक्निकल फिजिबिलिटी में होल्ड करके रखा हुआ है, मगर मैं अपने सहारे से जो है बांस बल्ला गाड़ के जो है हम तार खींच के अपना जो कृषि कार्य है वो कर रहे हैं, तो कृपया करके जो है जैसे भी हम तार को खींच के रखे हैं वहाँ तक हमारा जो बोरिंग है वहाँ पे हमें मीटर लगा दीजिए और हमें जो है बिल जनरेट करके दे दिया जाए ताकि हम सेफ रहें, क्योंकि हमें काम अब विभाग की जो काम है कब
तक जो है वहाँ पे तार पोल जाएंगी, तब तक तो हमें काम मतलब रुक नहीं सकता है ना। हम कृषि कार्य तो करेंगे ही, कैसे कैसे न कैसे करके तो हम जुगाड़ करके करेंगे ही। तो सर हम नहीं चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई हो, इसके लिए जो है हमें जो है हमारे बोरिंग तक जो है आप मीटर लगा दें और हमें बिल जनरेट करके दे दें, ताकि हम जो हर महीने जो है अपना बिजली का भुगतान करते रहें और हम भी सेफ रहें। तो अगर आप ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं, एक आवेदन लिख के देते हैं, तो आपकी जो है परिसर में जो है जहाँ भी आपकी बोरिंग है वहाँ पे अगर नए भी बनी है तो जो आप बांस बल्ला गाड़े हुए हैं उसी में जो है मीटर वहाँ पे इंस्टॉल कर दी जाती है, उसके बाद आपका बिल जनरेट कर दी जाती है, तब आप जो है बिल्कुल निश्चिंत हो के जो है अपना विद्युत का उपयोग कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा अगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अगर आपका आवेदन जो है टेक्निकल फिजिबिलिटी में जो है होल्ड करके रखे हुए हैं, तो आप डायरेक्टली जो है जाके ऑफिस विजिट करके जेई साहब या क्लर्क से मिल के जो है अपनी समस्या को बतानी है और बोलना है, रिक्वेस्ट करना है कि सर हमारे जो बोरिंग है वहाँ पे हमें मीटर इंस्टॉल करके बिल जो है जनरेट कर दी जाए, ताकि है जो है हमें किसी तरह की जो है प्रॉब्लम्स ना हो। रिक्वेस्ट करने के बाद जो है आपका टेक्निकल फिजिबिलिटी जो है ओके कर दी जाएंगी, उसके बाद आपके परिसर में जो है मीटर लगा दी जाएंगी और बिल जनरेट करके आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह का अगर आपके पास भी समस्या है तो जरूर से जरूर जो है आप ऑफिस विजिट करके अपना जो है ये क्लियर करके मीटर लगवा के बिल जनरेट करवा लें, नहीं तो अगर आप इस स्थिति में पकड़े जाते हैं विद्युत का उपयोग करते हुए तो आपके ऊपर भी FIR हो सकती है। तो ये था दोस्तों आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने इस वीडियो में कवर की है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, और इसी तरह के जो है बिजली विभाग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा प्लेलिस्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी बिजली के नाम पे बना हुआ है, वहाँ पे बिजली विभाग से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। कोई भी क्यूरी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो है नई वीडियो की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।